नंबर है चार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करेगा मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है ट्वेंटी एथ मार्च नाइनटीन नाइनटी टू ये रैंडमली मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली है नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस डेट ऑफ इस फॉर्मूले से आप कोई भी मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज हम एक वीडियो लेके आए हैं और ये हमने एक फार्मूला निकाला है रामानुजन की बुक से ढूंढ के बड़ी स्टडी करने के बाद और बड़ी मेहनत के बाद पहले मैं बता देता हूँ कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं आज आज ये आप स्क्वायर देख रहे होंगे इस स्क्वायर का नाम है रामानुजन मैजिक स्क्वायर आप कहेंगे कि इस स्क्वायर में ऐसी क्या खास बात है जो इसे रामानुजन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये फोर बाई फोर का एक स्क्वायर है और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन ये नॉर्मल नंबर नहीं है इसकी खासियत ये है जब आप इसको हॉरिजॉन्टली एड करेंगे तो इसका सम आएगा वन ऐसे ही रो टू का करेंगे तो भी 139 रो थ्री का करेंगे तो 139 थर्टी नाइन रो फोर का करेंगे तो 139 आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों जब इसके कॉलम का सम किया जाएगा तो भी 139 ही आएगा दूसरे कॉलम का किया जाएगा तो भी 139 आएगा और तीसरे कॉलम का आएगा सम करेंगे तो भी 139 ही आएगा और चौथे कॉलम को भी एड करने पर वन ही आएगा फ्रेंड्स यही नहीं जब हम इनको डाइग्नली भी एड करेंगे तो भी इसका सम वन आएगा और इधर से भी अगर सम करेंगे तो 139 ही आएगा इसी वजह से कि आप इसको कैसे भी ऐड करिए इसका सम 139 ही आएगा ये इसको खास बनाता है इसीलिए इसको रामानुजन मैजिक स्क्वायर कहते हैं और ये जो पहली रो है ना ट्वेंटी टू ट्वेल्व एटीन एटी सेवन ये कुछ और नई रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये डेट ऑफ बर्थ के साथ मिला के मैजिक स्क्वायर बनाया गया है तो अगर आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैजिक स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाए हैं हम एक सीक्रेट फार्मूला और ये फार्मूला हमने बहुत ही स्टडी करने के बाद रामानुजन की बुक से जो पुरानी बुक थी उनकी पुरानी बुकों को पढ़ के ढूंढ के और बड़ी मुश्किल के साथ रिसर्च के साथ निकाला है मैं आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूं कि मैंने कौन सी बुक की स्टडी की और मुझे ये फार्मूला कहां से मिला तो ये रामानुजन की बुक है मैन्यूस्क्रिप्ट बुक टू ऑफ श्री निवास रामानुजन और इसको मैंने ढूंढा और उसके बाद आप यहां देखेंगे कि ये जो हैंड रिटन है ना ये पार्टीशन नंबर आ, का है ये हैंड रिटर्न नोट्स हैं रामानुजन के खुद के अपने द्वारा अपने हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स हैं ये सारे तो इसकी स्टडी की हमने और इसको ढूंढा और यहीं पे हमें मिला ये मैजिक स्क्वायर निकालने का फार्मूला और ये है थ्री बाई थ्री का फॉर्मूला ऐसे ही हमने ढूंढ निकाला फोर बाई फोर का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे फोर बाई फोर का लेकिन इसको हमने मॉडिफाई किया डेट ऑफ बर्थ के साथ और अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमने इसको बनाने की कोशिश की है और ये हंड्रेड परसेंट वर्किंग है आप आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ ऐसा मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं और अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं इवन ये किसी को को नहीं पता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप औरों से ज्यादा और जल्दी सीख सके तो दोस्तों शुरू करते हैं हम की हमारा मैजिक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है यहां पे आप देखेंगे हमने ढूंढने के बाद ये मैजिक स्क्वायर का फार्मूला निकाला और ये फॉर्मूला आप देखेंगे ये नंबर है चार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करेगा मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है ट्वेंटी मार्च 19 नाइन्टी टू ये रैंडमली मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली है आपकी जो हो यहाँ पे डाल दीजिएगा इसको मानना है ए इसको मानना है बी इसको मानना है सी और इसको मानना है डी उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं वैल्यू रख देते हैं ट्वेंटी एट थ्री नाइन्टीन एंड नाइन्टी टू तो ये आ गया और इस चारों का सम हमारा आया है वन फोर्टी टू तो ऐसे ही हमें इस नंबर को ऐसे लगाना है कि सब का सम आए 142 तो ये फार्मूला हमने निकाला और यहाँ पे देखेंगे d प्लस वन तो d हमारा है 92 तो ये हो जाएगा 93 थ्री सी माइनस वन यानि कि 18 b माइनस थ्री ज़ीरो एंड a प्लस थ्री ए है हमारा 28 और ये प्लस थ्री यानी 31 ऐसे ही करके हम फार्मूले के हिसाब से वैल्यू रखते जाएंगे b माइनस टू यानी 1 a प्लस टू यानी कि थर्टी एंड डी प्लस टू यानी 94 फोर और सी माइनस टू यानी 17 ऐसे ही लास्ट वाली की वैल्यू रखेंगे हम ट्वेंटी नाइन्टी वन ट्वेंटी नाइन एंड टू तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैजिक स्क्वायर निकल गया है अगर हम देखेंगे इसका सम 142 आ रहा है अगर हम इस कॉलम का देखेंगे तो भी 142 आ रहा है बॉटम वाले का देख लेते हैं 142 आ रहा है अगर हम डाइग्नली भी देखेंगे तो 142 ही आएगा जी हाँ दोस्तों 142 ही आ रहा है तो ये हमने सीक्रेट फार्मूला इन्वेंट किया है और ये आप भी कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मान लीजिए अब मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देता हूँ ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस डेट ऑफ इस फॉर्मूले से आप कोई भी मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं किसी भी नंबर को लेके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों और कमेंट करिएगा ओ पी रामानुजन अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ जैसे कि थ्री ज़ीरो तीस अक्टूबर टू ज़ीरो वन फोर अक्टूबर 2014 ले लेता हूं और उसी हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा सारी तो यहां पे क्या आएगा और कैसा रहेगा ये मैजिक स्क्वायर तो ये मैंने यहां पे पहले ए बी सी की डी की वैल्यू रख दी है इसका सम है 74 अब यहां पे हम करेंगे डी प्लस वन यानी 15 सी माइनस वन नाइनटीन बी माइनस थ्री सेवन एंड ए प्लस थ्री थर्टी थ्री तो पहले का सम आया था सेवेंटी फोर दूसरे का आप सम देखेंगे वो भी सेवेंटी फोर आ गया है ऐसे ही हम फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को रखते चले जाएंगे एट थर्टी टू सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी वन थर्टीन थर्टी वन एंड नाइन तो पहले रो का सम देखते हैं सेवेंटी फोर दूसरे रो का सम सेवेंटी फोर तीसरे रो का सम सेवेंटी फोर चौथे रो का सम सेवनटी फोर पहले कॉलम का सम सेवेंटी फोर दूसरे कॉलम का सम सेवेंटी फोर तीसरे कॉलम का सम सेवेंटी फोर और चौथे कॉलम का सम सेवेंटी फोर ऐसे ही डाइग्नली चेक करते हैं पहले डायगनल का सम 74 एंड दूसरे डायगनल का सम भी 74 है ना कमाल की बात देखा दोस्तों रामानुजन कितने इंटेलिजेंट थे और उन्होंने ये सब जो चीजें है ना आज से लगभग 120 साल पहले ही लिख दी थी सोचिए 120 साल पुरानी ये नोटबुक है उनकी और इस चीज को उन्होंने 120 साल पहले ही लिखा था कितने बड़े जीनियस होंगे रामानुजन दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी इस मैजिक स्क्वायर के बारे में सुना था अगर नहीं तो अपने दोस्तों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मैजिक करके दिखाइए और उन्हें भी चक्कर में पढ़ने दीजिए कि ये हुआ आखिर कैसे सीक्रेट मत बताइएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए थैंक यू दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग